अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैर वाफिया से होंगे। तो यार आज मैं जैसी सुबह सुबह अपने मिनी जू में आया ना, तो मैंने क्या देखा, हमारे जो मिनी जू का ना ये रैबिट्स का केज जो है ना वो खुला हुआ था और सारे रैबिट जो है ना वो बाहर घूम रहे थे। और ये देखे बस, इनको भी खोल लेता हूँ, इनको भी देखते हैं, दाना पानी इनका चेक करते हैं। अच्छा इनकी जो मिट्टी है ना यार, मैंने सोचा ये मिट्टी इनकी जो है ना खिलानी है आज हमने इधर, क्योंकि ये जो है ना ऐसे बहुत ज़्यादा गर्म मचा रहे हैं और स्मेल बहुत ज़्यादा हो रही है इसकी वजह से। तो हमने क्या सोचा भाई, इसकी जो मिट्टी है ना यार आज इसको हम लोग बिछा देंगे इधर सारे इसमें ना, ताकि ये जो इतना गन वगैरह कर रहे हैं ना यार ये उसी में रहे और उसी में एडजस्ट हो जाए। क्योंकि ज़मीन पे जब गिरता है ना यार तो वो ज़्यादा स्मेल क्रिएट करता है उसकी वजह से, जब वो पुरानी ज़मीन पे गिरा होता है और वो इधर उधर फैलता है ना तो उसकी वजह से ना बदबू वगैरह ज़्यादा रहती है। देखिए आज हमने इनको भी खोला हुआ ना बाहर, हमने सोचा कि यार ये जो है ना ये हमारे चूज़ है, ये भी थोड़ा ना बाहर घूम फिर लें और धूप वगैरह ले लें। ये देखिए क्या, अच्छा इस चक्कर में वो मुर्गी भी इधर आ रही है, इससे लग रहा है उसको भी बुला रहे हैं। हाँ तो यार दोस्तों आज जो है ना यार एक जो है छोटा सा वो सरप्राइज़ है जो मैं लेकर आया हूँ अपने मिनी जू के लिए। और कल मैं जो है ना वर्ल्ड मार्केट गया था, वहाँ से एक चीज़ लेकर आया हूँ अपने मिनी जू के लिए ना यार। और ये देखिए ये वाली जो डव है ये मैं जो है ना अपने मिनी जू के लिए वहाँ से लेकर आया हूँ, मार्केट गया था वर्ल्ड मार्केट। और इनकी जो है ना आज मैं नेस्टिंग वगैरह भी जो है ना वो उसका सामान लेकर आया, वो नेस्टिंग इनकी मैंने हमने तैयार करनी है, उनको जो है ना उसमें शिफ्ट भी करेंगे। हमारे जो वो रह गए थे ना डव वगैरह जिनकी बाकी की मतलब दो की तो मैंने नेस्टिंग का सामान लगा दिया था, बाकी जो तीन पेयर थे ना यार वो रह गए थे, उनका सामान जो है ना वो कल लेकर आया था। तो आज जो है ना उनका वो नेस्टिंग का सामान भी लगा दूंगा, तो बर्ड्स को है ना ये जो मैं लेकर आया हूँ इनको भी जो है ना उसमें शिफ्ट कर दूंगा। देखिए बबली पता नहीं इतने गौर गौर से रैबिट्स को क्या क्यों देख रही है, मतलब मारा भी था इसने अभी थोड़ी देर पहले उसको ना, उनको ना ये देखिए अब वो जब बाहर आए तो पीछे हट गई है। तो हमारे जो है ना इसको अभी जब मैं आया था ना सुबह सुबह तो मैंने देखा ये गेट खुला हुआ था और ये जो है ना इसने पर खोले हुए थे, अब जो है ना ये बंद करके घूम रहा है इधर। तो मैंने इसकी तरफ नजर एकदम डाली, इधर ऐसे ना पर खोल के घूमे जा रहा था, अब जो है ना इसे पर बंद कर दिए हैं, अब जो है ना उधर शर्म से ना कब इधर बैठ रहे कभी ऐसे घूम करके ना उधर बैठ जा रहे हैं। और ये जो है ना हमसे डरता बहुत है, अभी हमने इतनी कोशिश की कि यार मतलब ये वो अच्छा फ्रेंडली हो जाए इधर आराम से हमारे साथ घूमे फिर, पर नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई। हाँ तो जी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है कॉर्ड, अब ये जो है ना एक एक करके इनके बॉक्सेस में मैं डाल लेता हूँ, बर्ड्स है ना मेरे उनके इसके केज में ना इसको एक एक करके रख देता हूँ। तो ये जो है ना ये भी ये बड़े शौक से खाते हैं भाई ये लोग ना, इनको ये भी बड़ी पसंद है तोतों को ना, तो इसके लिए मैं इसको डाल लेता हूँ। मैंने कल रखी थी तो मुझे लगा था ये खा नहीं रहे, पर माशाल्लाह से इन्होंने खाना शुरू कर दी है, तो इनको जो है ना आज मैं और डाल लेता हूँ ताकि ये लोग खाएँ यार, ये इनके लिए ना अच्छी होती है, क्योंकि सॉफ्ट फूड जो मैं इनको दे रहा हूँ वो तो ये ले नहीं रहे, और तो फिर इनको ये ना मतलब यही देनी पड़ेगी कि यार ये लोग खाएँ। ये हमारे कॉकटेल बर्ड्स इनके लिए मैं ये रख देता हूँ, क्योंकि ये दो हैं ना यार, ये बड़े नखरीले बर्ड्स हैं यार, बड़े मुश्किल से जो है ना ये लोग अपना करते हैं, ब्रीडिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं, जब एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर रुकते नहीं हैं, पर ये स्टार्ट करने में ना इनको बहुत टाइम चाहिए, मतलब शुरू होने में ना इनको वक्त लगता है, पर एक बार जब ये स्टार्ट हो जाते हैं फिर इनको रोकना मुश्किल है भाई। मुझे इन दोनों की ना जेंटल में ना थोड़ा शक आ रहा है, इनको मैं चेक करना पड़ेगा मुझे ना, कि मतलब किसी प्रोफेशनल बंदे को बुला के या तो किसी सही बंदे या DNA वगैरह करवाना पड़ेगा इनका, क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से लग रहा है कि नेस्ट वगैरह में आ जा रहे हैं पर कर कुछ नहीं रहे ना, अंडे वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे, तो इस चीज़ से थोड़ा ना मुझे डाउट भी हुआ हुआ है कि मतलब ये क्या चक्कर है। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई दोनों मेल भी होंगे ना तो वो भी बॉक्स में जाएंगे, अगर दोनों फीमेल होंगे ना वो भी बॉक्स में जाएंगे, पर होगा कुछ भी नहीं, तो जो है ना इसलिए मैं जो है ना इनका चेक करवाता हूँ भाई। ये देखें इसको जो है ना मैंने थोड़ा फ्री क्या कर लिया, तो मतलब जो है ना यार ये तो सर पे ही चढ़ती जा रही है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं डरती है ना, तो यार ये और उल्टे से उल्टे काम करती रहती है, मतलब ये जहाँ हम जो इनको डरा इनको जो है ना हम डरा भरा के भगा भी देते थे ना, तो वहाँ से ये भाग जाते थे, मतलब जैसे कोई घास वगैरह खा रहे हैं जैसे उस रूम में आना ना तो हम उनको वहाँ से एक बार भगा देते थे ना यार, तो ये फिर दोबारा आते नहीं थे। अब ये इसका क्या जो है ना इसका थोड़ा सा उल्टा चक्कर है भाई, इसको हम जितना मर्जी भगाते रहे ना ये नहीं भागती, मतलब ये जो है ना वो मतलब फुल फ्रेंडली हुई है तो सर पे चढ़ी हुई है। तो देखो अब ये कोई दाना मैंने हालांकि नीचे भी यही डाला भाई, इधर भी मैंने ये डाला हुआ है और डब्बे में भी यही है, पर जो है ना इसको जो है ना डब्बे में खाना है भाई, नीचे नहीं खाना, मतलब अजीब चक्कर चल रहा है इनका भाई। ये देखो इसको मैं जितना भगाऊंगा ना यार बार बार इधर आके बैठ जाएगी, जा इसको आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा, इसको मैं भगा रहा था हर वीडियो में इसको भगा ही रहा था कि भाई तू जा जान छोड़ भाई मेरी, पर नहीं ये फिर वापस पीछे आ रही होती है। देखो अभी देखो हालांकि दूसरी कोई मुर्गी इतना करीब नहीं आ रही है, ये जो देखो ये ना ये बार बार आएगी, बार बार ऐसे घूम फिर के ना इधर आएगी और जहाँ पे मतलब मैं बैठा हूँगा उधर आके ऐसे दाना वाना खाएगी, यहाँ पीछे पीछे घूमेगी ऐसे ना, और क्या नाम है मतलब दाना वाना खिलाओ इसको, जिस चीज़ से मना करो उधर ही घुसती जाएगी बार बार ये। वो देखें माशाल्लाह मतलब वो देखें बिल्कुल वो नीचे बैठा हुआ है दाना वाना खा के ना, अब ये भी बाहर उनके साथ बैठी हुई है। इसको जो है ना मैंने बबलू को इतनी कोशिश की है कि यार ये बाहर आए और धूप वगैरह सेके, पर नहीं भाई ऐसा कोई सीन नहीं, वो अंदर ही घुसा हुआ है, अंदर ही रहता है,
वो इधर उसको छोड़ो भी ना, घूम फिर के ना ऐसे सारे इधर घूमता फिरता है और वापस वो देखे घूमता फिरता है वापस अपने केज के अंदर। मैंने आप लोगों को बताया था कि इनका जो है ना, मैं नेस्टिंग का सामान लेकर आया हूँ, तो इनका जो है ना, ये हम पिंजरे वगैरह लगाते हैं। तीनों जो है ना जालियाँ वो तैयार हो चुकी है, इनके अंदर अब जो है ना मैं घास लगा देता हूँ, उसके बाद जो है ना इनको इसके अंदर फिट कर दूंगा, और फिर जो है ना हमारी ये जो डव जो है ना, ये इनका नेस्टिंग का जो है ना वो केज जो है ना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये भी मैं निकाल लेता हूँ और बाहर नहीं आना। अभी जो है ना एक जो है ना ये लगानी है जाली, ताकि इसके अंदर ये लोग नेस्टिंग कर सकें, तो ये इसको मैं लगाता हूँ फिलहाल इधर। ये घास जो है ना इनका, ये नेस्टिंग के काम आता है, तो इनको अलग कर लेता हूँ मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ये एक ही नहीं रख सकते, ये ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसको जब बनाते हैं ना बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर ऊपर ये जो घास है ना, ऐसे रखूँगा ना तो कभी भी जो है ना इसके ऊपर ये बैठ के ना वो जो है ना ब्रीडिंग वगैरह नहीं करेगी, अंडे वगैरह नहीं देगी। तो कोशिश करें इसके अंदर जो जो गैप बना हुआ ना, इसी के अंदर अंदर तक जो है ना वो घास बाहर, क्योंकि बाहर आएगा तो उसके ऊपर वो बैठेगी, उसको ऐसे लगेगी वो गिर जाएगी, तो वो जो है नहीं बैठ करेगी। उसको जो है ना उसमें शिफ्ट कर दूँ ना, क्योंकि वो जो है ना अलग है थोड़ी, डायमंड वो डव जो है ना वो अलग है, ये वो डायमंड डव है, ये वाइट डव है, तो ये दोनों अलग है। ये देखा डव हंसी, अभी आपने देखा लाफिंग डव, ये ऐसे ही बोलती है, और जब ये बोलते हैं ना बड़ा ज़बरदस्त बोलते हैं यार ये लोग भी, ये वाली डव जो है ना ये भी बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं आपको क्लोजअप ज़रा इसका देता हूँ, ये देखें, ये हमने लगा दी इनकी सारी जालियाँ जो है ना, इनके मैंने नेस्टिंग की जालियाँ जो है ना वो लगा दी हैं। अब वो जो हमारा वो वाला जो जोड़ा है ना डव का, जो मैं कल लेकर आया हूँ, उसको भी जो है ना मैं इसके अंदर शिफ्ट कर दूंगा, फिर जो है ना इंशाल्लाह उम्मीद है कि रात तक जो है ना इसमें लोग एडजस्ट कर जाएंगे, और जो है ना अपने अपने नेस्ट जो है ना ये लोग खुद चूज़ कर लेंगे, उसमें जाके बैठना जो है ना शुरू कर देंगे। तो एक दो तीन, तीन तीन पेयर हैं, और एक दो तीन चार पांच जालियाँ मैंने लगा दी, एक पेयर वो वाला भी बीच में आ जाएगा, तो ये चार पेयर पूरे हो जाएंगे, एक जो है ना एक्स्ट्रा रह जाएगी, क्योंकि एक जो है ना इसके अंदर वो मेल है, मेरा ख्याल नहीं फीमेल है, फीमेल उसकी मेल इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगा, तो उसको जो है ना उसमें छोड़ दूंगा, फिर जो है ना ये इसका जो एक का जो पेयर है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर पांच पेयर, पांच जालियाँ, पांच नेस्टिंग बॉक्स जो है ना मैंने इनके अंदर लगा दिए हैं, तो है ना ये हर किसी का अपना अपना अलग अलग हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको लाते हैं, उसको नीचे छोड़ते हैं इसके अंदर ना, ये लगा के वहाँ पे ना जो एक पिंजरा जो है ना वो पड़ा हुआ होगा, तो इसको मैं ले जाके वहाँ पे आराम से छोड़ दूंगा। तो अभी क्या करते हैं, इसको इनको एक एक करके निकालते हैं और इसमें छोड़ते हैं। भाई आओ भाई, बिस्मिल्लाह करते हैं, आओ भाई। क्या है, छोटे से पिंजरे में नहीं आ रही मेरे हाथ में। ये देखें दोस्तों, ये डायमंड डव, ये देखें ना इसके जो पर में ना, ये इसके जो फीदर जो होते हैं ना इसके, उसके ऊपर ही देखें आप डॉट्स देख रहे हैं, ये खूबसूरत सा डव मेरे हाथ से भागने की कोशिश कर रही है ये। अच्छा, इसके बाल ना बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी से जो है ना वो झड़ जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि इसके बाल जो है ना वो ख़राब ना हो, और इसको हम जो है ना अंदर इसके केज में छोड़ देते हैं। ये देख रहे हैं डव, ये जो डॉट्स है ना, डॉट्स ये वाले,
ये बताते हैं कि यार ये जो है ना, इस वजह से जो है ना डायमंड डफ कहा जाता है कि ये देखें, अब जो है इसको मैं इसके अंदर छोड़ने लगा हूँ। करो जाओ। अच्छा बेचारी कल से ना अकेली अकेली थी तो थोड़ा डर भी रही थी, अब जो है ना इनके साथ मैंने इसको छोड़ दिया है। आओ भाई आप भी आओ, आज 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 ये चीज। अच्छा इसकी कलर में जो रंग कलर आइज में जो कलर है ना यार, वो भी डिफरेंट है, मतलब बाकियों से ना वो भी डिफरेंट है कि मतलब इसकी आंखें जो है ना साइड में जो सर्कल है ना वो रेडिश हुआ हुआ है, बाकियों का सबका ना ब्लैक ब्लैक है, वो देख रहे हैं आप। अच्छा इसका जो है ना डिफरेंस वो है ना मेरे ख्याल वो यही है, इसकी कलर की जो ना साइड पर ना रेड रेड कलर का शेड आता है। मतलब पहले समझ रहा था कि वो वाली जो ब्लैक है वो और ये जो सेम है, पर जब मैंने अब साथ छोड़ा है तो वाकई में डिफरेंट जो है ना वो पता चला है मैंने, और जो है ना मैंने इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या नाम ये देखें, आज फिर देखें अभी फिर ये खुला रह गया, और हम जब कल आएंगे ना हमें लगेगा कि किसी ने ना खुला छोड़ दिया हुआ इसको, तो ये हमारी गलती है कि खुला रहता है। और अभी सुबह भी जब मैं आया तो मुझे लगा किसी ने खोला हुआ है, पर ऐसा नहीं है, ये हमसे ही कल खुला रह गया रात को। तो ये हमारे चूज़े भी यहाँ माशाल्लाह आराम से रह रहे हैं, तो रात को आऊँगा इनको वहाँ पे जो है ना इनके दूसरे रूम में जो है ना सेफ्टी रूम में शिफ्ट कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, अल्लाह हाफ़िज़।